और ये बहुत शुभ दिन है कि हम गणेश चतुर्थी के दिन मिले हैं। तो गणेश जी के नाम से मैं इस कार्यक्रम का प्रारंभ करना चाहती हूँ। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभ निर्विघ्नम कुरुमे देवो सर्व कार्येषु सर्वदा। हमारे बीच हेड स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस से डॉक्टर रुचि मिश्रा तिवारी भी उपस्थित हैं। तो मैं रुचि मैडम से कार्यक्रम को आगे संचालित करने की आग्रह करती हूँ और हम इस तरह विधिवत कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। धन्यवाद। थैंक यू उषा मैम, थैंक यू सो मच. वेरी वॉर्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू, रिस्पेक्टेड पैनलिस्ट, रिस्पेक्टेड डीन ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड लैंग्वेजेस डिपार्टमेंट, आर एन टी यू डॉक्टर उषा वैद्य, फैकल्टी मेंबर्स ऑफ ह्यूमैनिटीज डिपार्टमेंट ऑफ रबीन्द्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी, डीन्स एंड एच ओ डीज ऑफ आर एन टी यू, रिसर्च स्कॉलर्स, पार्टिसिपेंट्स, अ वेरी वॉर्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू. टुडे इज़ अ वेरी ऑस्पिशियस ओकेजन दैट इट इज़ गणेश चतुर्थी, एंड एज मैडम हैज़ राइटली सेड दैट वी विल टेक द ब्लेसिंग्स ऑफ लॉर्ड गणेशा एंड स्टार्ट आर सेकेंड डे ऑफ द फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑन रिसर्च मेथडोलॉजी. सो आई जस्ट ऑफर माई प्रेयर्स टू लॉर्ड गणेशा. मे लॉर्ड गणेशा रिमूव ऑल द ऑब्स्टिकल्स इन योर लाइफ and the days ahead be abundantly blessed with good health, peace and contentment. So with this prayer to Lord Ganesha, I would like to invite the first speaker of today's session. The first speaker of today's session is Professor Animesh Bahadur. He is Professor and Chairperson HR Management, Organizational Behavior and Communications, TAPI Management Institute, Manipal, Udupi. He has written many research papers and he's been very active in the research field. We are really privileged and honored to have you, sir. A very warm welcome, Professor Animesh Bahadur, sir. And now it's over to you, sir. You may start your presentation. Most welcome, sir. Sound me. Sir, आप अनम्यूट कर लें. अनिमेश सर, अनिमेश सर प्लीज अनम्यूट करें. जी या डॉक्टर वैद्य, डॉक्टर तिवारी एंड फेलो पार्टिसिपेंट्स, आई विल स्टार्ट माय प्रेजेंटेशन विद सम स्टोरीज व्हिच आई हैव एनकाउंटर्ड वेरी रिसेंटली. And as I'm progressing, I will speak both in English and Hindi. I checked with the organizers if that this is the way to proceed. So first of all, is my screen visible? Yes, sir, it is. Very okay. So I'll go into the presentation mode. Yes. Yeah. So I'm speaking on qualitative research. Why? Because I basically do qualitative research. The last time I did a proper quantitative research was in 2011. After that, I have hardly touched on quantitative research. There are reasons why. I'll just give you examples which are very recent. There was this UNDP supported survey, ek survekshan tha pejal ko leke. और ये पूरे उडुपी क्षेत्र में मैंगलोर और उसका जो निकट का जो जिला है मैंगलोर उसमें किया जा रहा था. गांव गांव जाके मेरी एक सहकर्मी है डॉक्टर विद्या प्रताप जाके एक स्टैंडर्ड सर्वे था, एक सर्वेक्षण था, एक क्वेश्चनर था, वो जाके पूछती थी उससे प्रश्न. और वो प्रश्न इस तरह के थे कि आपको पेयजल अगर स्वच्छ मिलेगा तो आप लेंगे क्या, अगर पेयजल के लिए आपको थोड़ा पैसा देना पड़ेगा तो क्या आप देंगे, आप पानी साफ कैसे करते हैं. अब ये सब बातें बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं और शायद पूरे हिंदुस्तान में इस पर बहुत चर्चा हो रही है. इनफैक्ट अगर आप देखिए तो इस समय सरकार का भी अगर आप सामाजिक जो भी फोकस आप देखेंगे तो पेयजल की ओर है.
लेकिन डॉक्टर विद्या प्रताप को एक पूरा नया अनुभव हुआ, उनको मालूम चला कि ये प्रश्न तो इस समय आसार है, इट जस्ट डजंट हैव एनी रिलेवेंस, दिस क्वेश्चन डज नॉट हैव एनी रिलेवेंस, व्हाई? बिकॉज पीपल डोंट हैव अ लाइवलीहुड, लोगों के पास जीवनचर्या ही नहीं है, उनके पास कोई रोजगारी नहीं है। अब ऐसे में जब इंसान जिंदा रहने के लिए जद्दोजहद कर रहा है, when the person is struggling to live, how would one actually bother about the quality of the water? And she would encounter very unique things. उनको जब फील्ड पे थी गांव में अजीब अजीब चीज मिलती थी, वो पहुंची तो कहा मैडम आप मणिपाल से आई हैं, वहां तो नौकरियां बहुत होती हैं, मुझे नौकरी मिल सकती है? अब इन बातों का उनके पास जवाब नहीं है। वो एक जो खाका उनके पास था, एक सर्वे जो उनके पास था, वो उन बातों की जवाब नहीं दे पा रहा था जो पेयजल की आज की सच्चाई है, जो पेयजल की अतीत की सच्चाई थी, जिससे वो सब डिजाइन बनाया गया था, वो स्वरूप बनाया गया था, द डिजाइन विच वॉज प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन द पास्ट रियालिटीज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, दैट वॉज जस्ट नॉट रेलिवेंट। अनदर स्टडी, एक और स्टडी जो मेरे एक शोधार्थी कर रहे हैं, किसी और इंस्टीट्यूट के हैं वो, उन्होंने कुछ उत्तर भारत के गांवों में प्रवासी मजदूरों पे काम करना शुरू किया। अब उसमें भी क्या हुआ, एक एनजीओ थी जिसने एक पूरा स्टैंडर्ड सर्वे दे दिया था, देयर वाज अ स्टैंडर्ड सर्वे व्हिच ही वाज सपोज्ड टू कंडक्ट। अब वो जब गांव से गांव जा रहे थे और घरों से घर जा रहे थे, उनको एक नई चीज अनुभव हुई, बिल्कुल डॉक्टर विद्या प्रताप की तरह। पहली बात तो उम्र का फर्क बहुत सारे फर्क कर रहा था, ये एक ऐसा जो चर था, एक ऐसा वेरिएबल था जो कोई कैप्चर ही नहीं कर रहा था। जो लोग एक खास उम्र में थे उनका जातीय जो भी पृष्ठभूमि थी उससे तो फर्क पड़ ही रहा था, जातीय पृष्ठभूमि के साथ उनकी आर्थिक पृष्ठभूमि साथ में मिली जा रही थी। अब कहने को तो हम स्ट्रक्चर इक्वेशन मॉडलिंग फैक्टर एनालिसिस सब कुछ करके निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए वो डेटा कैप्चर करना भी तो जरूरी है, उनके पास ये रास्ते नहीं थे। और तीसरा तो मेरा खुद का है, जो अभी जो मेरे दो या तीन खास शोध चल रहे हैं, एक इस पे है कि ऑनलाइन जब आप जर्नलिज्म करते हैं, ऑनलाइन जब आप पत्रकारिता में जाते हैं और खास तौर पे व्यंग्य के बारे में लिखते हैं, तो आपकी नीतियां क्या होती हैं, आपकी एथिक्स क्या होती है। और दूसरा क्षेत्र है जब आप ट्रांसजेंडर खासतौर पर ट्रांसमेन के बारे में देखते हैं, यानी कि वो लोग जो जन्म से शायद स्त्री रहे होंगे लेकिन वो अपने को पुरुष समझते हैं, ऐसे लोगों का कार्यस्थल में क्या होता है। अब इसके बारे में रिसर्च ही नहीं है, हम भी अपना खाका बना के हमने शुरू की है रिसर्च, तो समझ में आया इसका कुछ नहीं है। हमको लोगों के पास जाना पड़ेगा, पहले समझना पड़ेगा कि सच्चाई क्या है। तो चाहे वो डॉक्टर प्रताप हो, चाहे मेरा दूसरा शोधार्थी हो, चाहे मैं, हम तीनों ने एक बड़ी मेजर गलती की थी। क्या गलतियां थी? हम लोगों ने पहले से ये निर्णय ले लिया था, हमने पहले से डिसाइड कर लिया था, वी हैड डिसाइडेड बिफोरहैंड व्हाट इज गोइंग टू बी द गोल, उद्देश्य क्या होगा हमारे रिसर्च का, पर्पस क्या होगा रिसर्च का, वो पहले से डिसाइड कर लिया था। और जब हम फील्ड पे पहुंचे तो मालूम चला उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। एक खास तरह से हमने डिजाइन बनाया उसका रिसर्च का, वी जस्ट हैड वन मेजर वे टू प्रिपेयर द डिजाइन, बिकॉज ऑल द रिसर्च मेथोडोलॉजी बुक्स टीच वन मेथड ओनली। Then we also know that sample has to be of a particular size, so go to so many people. Now, it's a very good thing, but the sample should be representative, right? Just randomizing is not helpful. Sample में वो सब लोग आ जाने जरूरी हैं जो हमको लगता है महत्वपूर्ण है, और random sampling इसका स्थान नहीं देती है, इसको encourage नहीं करती है। फिर हमारी आदत है नंबर आते हैं, नंबरों को हम उसमें डालते हैं, एसपीएसएस में डालते हैं, और फिर कुछ हमारा रिजल्ट आ जाता है, वही हमारी एनालिसिस हो जाती है। क्या ये तरीके से जो स्टडी हम कर रहे हैं वो हो सकती है? दैट इज अनदर चैलेंज, एंड दैट्स वेयर व्हेन यू आर एक्सप्लोरिंग समथिंग, व्हेन यू आर डूइंग समथिंग न्यू, एंड व्हेन यू गो टू द फील्ड एंड रियलाइज दैट दीज रियलिटीज आर नॉट द यूनिवर्सल रियलिटीज, यू नीड टू रीथिंक। How do we rethink? We go to qualitative research. And in short, what is qualitative research? We look at the world as it exists. Now, as it exists means many things. As it exists for me, as it exists for you, as it exists for the people we are studying. तो हमारी भी दुनिया है, जैसी जैसी हम समझ रहे हैं वो भी महत्वपूर्ण है, जैसा दूसरे लोग महत्वपूर्ण उसको समझ रहे हैं वो भी महत्वपूर्ण है।
हमेशा क्वालिटेटिव रिसर्च जहां पे भी हम देखेंगे इसका एक मानवीय संदर्भ होता है, इसीलिए अक्सर समाज से जुड़ी हुई होती है। और हम इसमें व्याख्या करते हैं, वी आर इंटरप्रेटिंग हियर, वी आर नॉट गिविंग सम स्टैंडर्ड रिजल्ट्स दैट वी हैव डन कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी एंड ऑल दीज थिंग्स एंड देन वी पुट इट ऑन स्टैटिस्टिक्स एंड रिजल्ट्स शो वेदर द हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड और नॉट, दैट्स व्हाट वी डू इन क्वांटिटेटिव रिसर्च। हियर वी हैव टू गिव अ मीनिंग, we get something said by some people or done by some people and then we have to interpret, acha iska matlab ye tha, did it mean this way, and that also leads to a very unique thing about qualitative research. If you do a qualitative research, a large enough qualitative research, deep enough qualitative research, it always leads to emergence of a theory. aap ek naya siddhant banate hain, short range hoga jo bhi hoga, but usse ek siddhant nikalta hai. to kya हम अपने मन से कोई सिद्धांत बना रहे हैं या ये सिद्धांत बना जरूरी है या नहीं है, हमको क्यों नहीं पुरानी थ्योरी देखनी चाहिए, इसके लिए अगर हमें जवाब चाहिए तो एक पुरानी कहानी की ओर हम जाते हैं। हम सबने ये कहानी सुनी है कि अलग अलग लोग हाथी को अलग अलग तरह से परिभाषित कर रहे थे, पीपल वर डिफाइनिंग द एलिफेंट डिफरेंटली बेस्ड ऑन what part of the body of the elephant they were touching, and to them that very part became the reality, and that's where one challenge remains. Quantitative research is like that only. You have some pre-existing papers, within those papers you find a gap and you start the further research. It's not an exploration, you are not touching something totally new, and that's where this purblind or partially blind view of research often has its limitations. There are very many good things about quantitative research. It's a big sample. It's very statistically validated. There are numbers. Numbers can always be believed. But it has limitations. When you want to study something new, you find constraints. And just a small comparison between qualitative and quantitative research. On the quantitative side, we will take one or two theories. Based on that, we will go to literature. And once we have chosen our hypothesis and objectives, and based on that, we have framed our hypothesis and we are testing, we are not going to change. In between, we don't make any changes. So that's why the challenge in quantitative research is that when we are actually designing research, we have to be very rigorous. बहुत मेहनत करनी पड़ती है जब हम अपना प्रारूप बनाते हैं, स्वरूप जब बनाते हैं, उसके अलावा हम कुछ स्टडी नहीं कर सकते, इसलिए हम बहुत सारे पर्चे पढ़ते हैं, वी गो थ्रू अ लॉट ऑफ पेपर्स, शॉर्टलिस्ट, देन वी हाइपोथेसाइज एंड देन वी थिंक ऑफ व्हाट हाउ परहैप्स कैन वी गेट द राइट फैक्टर्स, वेरिएबल्स एंड फैक्टर्स, राइट? सो ए प्रायोरी बिफोर द रिसर्च स्टार्ट्स वी डू अ लॉट ऑफ एफर्ट, बट वंस द रिसर्च स्टार्ट्स वी मेक नो चेंजेस। इफ वी आर मेकिंग एनी चेंजेस दैट मींस वी आर रीस्टार्टिंग द रिसर्च इफेक्टिवली। बट क्वालिटेटिव रिसर्च इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट विल नॉट बी बेस्ड ऑन वन और टू एग्जिस्टिंग थ्योरीज, इट्स ओपन टू द फैक्ट दैट मेनी पर्सपेक्टिव्स कैन इमर्ज, सो थ्योरी विल इमर्ज, वी विल नॉट बी फोकस्ड ऑन वन थ्योरी। इफ literature does not exist, still you can go for a qualitative research. The way I was talking perhaps about the study of trans men in India. The trans men in India, as far as they are concerned, we don't have any standard study on workplace in trans men. At least the time when we started. Now there are many more, but at that time there were not any studies. So there was no reference as such. There were international references, not any Indian references. As research progressed, we realized that new and new things can be added. That's another power or beauty as far as qualitative research is concerned. हम जैसे जैसे शोध करते हैं हमको नई नई बातें पता लगती हैं और उसको हम जोड़ते जाते हैं, हमको डर नहीं लगता कि हमारे खाके में यह नहीं था, हमारे स्वरूप में यह नहीं था, that our own research design did not have it. We can just continue with that. एक खास बात, typically quantitative research is dependent on a standard tool. We will use one tool, which is of course tested through theory. It is evolved with a lot of effort. But if it's a questionnaire, it will remain a questionnaire. If it's an interview schedule, it will remain an interview schedule. If it's an experimental design, it will remain that.
But in qualitative research, we look at multiple sources. So there will be interviews, depth interviews, there will be census figures, we will go to panchayats, we will go to the nagarpalika, we will also consult people who are what we call key informants. हम कई sources से, कई स्रोतों से हम जानकारी लेते हैं जब qualitative research कर रहे होते हैं. और इसीलिए हम छह लोगों तक सीमित नहीं है, जैसा कि हम सुनते हैं उस कहानी में, ब्लाइंड मैन ऑफ हिंदुस्तान वाली कहानी में सुनते हैं. हमारी कमी कहाँ पे आती है? हमारी कमी आती है कि हमारे पास सांख्यिकी नहीं है. वी आर नॉट स्टैटिस्टिकली ओरिएंटेड, बट देन व्हाट हेल्प्स अस आवर डेप्थ. वी गो डीप इनटू इट. बिकॉज वी गो डीप इनटू इट, वी कंसल्ट मेनी पीपल, वी थिंक अबाउट इट सो मच, वी बिकम वैलिड, वी बिकम रिलायबल. And the biggest thing is, we know the world keeps changing. The world changes between two people, and world changes between two times. And that's why the world is subjective. हम इस बात को मान के चलते हैं कि दुनिया व्यक्तिनिष्ठ है, दुनिया बदलती हुई है, और इसीलिए हमारा जो भी खाका होता है, वही पेयजल वाला जो उदाहरण दे रहा था, उस एक खाके से हम नहीं चल सकते. We can't just depend on one design and one questionnaire. We have to evolve. Now, having done that, let us also look at certain features of qualitative research. Whenever the research does not have prior strong literature, जब भी आपके शोध में पुराना शोध साहित्य नहीं है, तब qualitative research बहुत ज्यादा उपयोगी होती है. पहली बात, क्योंकि साहित्य में नहीं है इसलिए उपयोगी है. दूसरी बात, चूंकि अभी ये नया विषय है तो आप कई लोगों से बात करके नया उसके बारे में समझ सकते हैं. इट्स अबाउट इंटरप्रिटेशन. कोई कुछ कह रहा है, आप उसको एक खास तरह से व्याख्या करेंगे. वी विल इंटरप्रेट इट इन आवर ओन वेज. ऐसा नहीं है दैट देयर इज अ स्टैंडर्ड वे, लाइक द वे इट हैपेंस इन हाइपोथेसिस टेस्टिंग. काई स्क्वायर नंबर इज देयर एंड वी से ओके एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड, दैट्स द वे वी गो, राइट? Null hypothesis is rejected, accepted, this one, alternative hypothesis rejected or selected, right? That's how we actually proceed. But here, we don't have a rejection or acceptance of a hypothesis, because generally we don't have a hypothesis itself, generally. So we need to interpret. We will get a lot of information, rich data. Bahut sara hamare paas data hota hai, bahut sari jankari hoti hai, usko khas tar se interpret karna zaruri hota hai. Aur वो जो बदलाव हो रहे हैं, जो नई नई बातें आती हैं, उन सबको वो मुखरित करता है. एक तरीका होता है, आपने भी सुना होगा, फिनोमेनोलॉजी, किसी घटना को समझने का तरीका. तो क्या किया जाता है उसमें, हम एक ही बात के बारे में अलग अलग लोगों से पूछते हैं, और उनके जो भी परिप्रेक्ष्य आ रहे हैं, उनके जो भी विचार आ रहे हैं, उनकी हम तुलना करते हैं. तो एक विषय पर जो भी उसका सब हेडिंग है, उसमें अलग अलग लोगों ने क्या कहा है उसके बारे में, हम अलग अलग तरह से देखते हैं. और इससे क्या मालूम होता है कि लोग अलग अलग सोच रहे हैं, विषय एक ही है, लोग अलग अलग सोच रहे हैं, और विषय का संबंध लोगों से अलग अलग तरह से बन रहा है. कुछ लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, कुछ के लिए नहीं महत्वपूर्ण है. और चूंकि ये सीमित सैंपल पे होता है, सीमित प्रतिदर्श पे होता है, बिकॉज इट्स डन ऑन अ वेरी स्मॉल सैंपल, it is typically in depth. You can spend a lot of time in gathering data, interacting with the community, or interacting with the subjects. And this has become very, very important. Nowadays, all the research journals are actually insisting on mixed methods approach. Mixed methods meaning you have to have both quantitative and qualitative together. So mixed methods ke saath saath, jaise jaise uska uday ho raha hai, ye aur bhi mahatvapurna ho gaya hai. हम क्या करते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च में? हमारे लिए रिचनेस महत्वपूर्ण है, डेटा कितना स्ट्रांग है ये महत्वपूर्ण है. एक तरह का डेटा मत नहीं चाहिए हमको, हमारे पास भिन्न परिप्रेक्ष्य आना बहुत जरूरी है. एक तरह की बात आना काफी नहीं है. हम व्याख्या करते हैं, हम सोचते हैं उसके बारे में और लिखते हैं कि अच्छा इसका ये मतलब हुआ. जो लोग नृतत्व शास्त्र होंगे, एंथ्रोपोलॉजी से होंगे, वो जानते होंगे, वी हैव दिस कॉन्सेप्ट ऑफ एटिक एंड एमिक. एमिक, हाउ द सोसाइटी इज टेलिंग अस व्हाट इज हैपनिंग. एटिक, हाउ वी एज ऑब्जर्वर्स आर इंटरप्रेटिंग इट. सो बोथ आर इंपॉर्टेंट, हाउ द सोसाइटी थिंक्स एंड हाउ द
interpreter or observer things. Both are important, and that's why interpretation is a combination. Another thing which has been insisted a lot in sociology in particular, of course it started with anthropology, but it is insisted a lot in sociology now, with people like, of course, with Talcott Parsons and later Anthony Giddens. Giddens ने कहा था कि हमारा जो उत्तर आधुनिक समाज है, जो हमारा आज का आधुनिक समाज है, उसमें हम कभी एक सच पे नहीं टिकते हैं। आज एक सच मान रहे हैं, कल दूसरा सच मानेंगे। हम कल किसी और को वोट दे रहे थे किसी और बात पे, और वही बात का अर्थ आज दूसरा हो गया और इसीलिए किसी और को वोट देने लगे हैं। जैसे आप देखिए, हम जो जो भी कहते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल टेक द केस ऑफ करप्शन। करप्शन फॉर वेरी लॉन्ग वॉज डिफाइंड एज एनीथिंग रॉन्ग इन पब्लिक लाइफ, देन इट बिकेम एनीथिंग रॉन्ग इन मनी डीलिंग्स, इंक्रीजिंगली इट्स अबाउट एनीथिंग रॉन्ग इन ओनली पब्लिक मनी डीलिंग्स। वो परिभाषाएं हमारी बदलती जा रही हैं और उसके हिसाब से हमारा हमारी सोच भी बदल रही है, हमारा परिप्रेक्ष्य भी बदल रहा है, एंड दैट्स व्हाई हम बहुत रिफ्लेक्टिव होते हैं, हम सोचते हैं उसके बारे में, हम बार बार तुलना करते हैं अतीत की और आज की, और फिर कहते हैं अच्छा आज का सच ये है, सच बदल रहा है और इसीलिए हम सच का निर्माण कर रहे हैं। दैट्स व्हाट इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टिविज्म। हम अपना भी व्यू लेते हैं, अतीत का भी व्यू लेते हैं, अपने दोस्तों का भी व्यू लेते हैं, अपने सब्जेक्ट्स का भी व्यू लेते हैं, सबको जोड़ के हम अपनी सच को बनाते हैं। वी कंस्ट्रक्ट दैट ट्रुथ, एंड दैट्स व्हाई इट्स एन एरा ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द रियलिटीज, एंड दैट्स व्हाई क्वालिटेटिव अप्रोच बिकम्स वेरी वेरी हेल्पफुल। इट हेल्प्स यू गेट डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स, कंबाइन देम एंड रिफ्लेक्ट एंड इंटरप्रेट देम। इट्स इंडक्टिव, इंडक्टिव इन द सेंस देयर इज नो एग्जिस्टिंग थ्योरी। इसलिए इंडक्टिव क्योंकि पहले का कोई सिद्धांत नहीं, हम अपना सिद्धांत बना रहे हैं, वी आर प्रिपेयरिंग आवर ओन थ्योरी, ओके, एंड वी एक्सेप्ट मल्टीपल रियलिटीज। हमको इस बात का विश्वास है कि सच एक नहीं है, सच बहुत सारे हैं। मेरा सच कुछ और है, यहाँ पे बैठ के उडुपी में कैंपस में बैठ के, वो जो बच्चा कहीं दूर पे पढ़ रहा है जिसके पास शायद मोबाइल भी पूरे अच्छे डेटा के साथ नहीं है, उसके पास शिक्षा का सच कुछ और है। इसलिए हम सारे सच्चों को देख रहे हैं इसमें। क्वालिटेटिव रिसर्च की एक और खास बात कि हम दुनिया को लोगों की नजरों से देखते हैं, वर्ल्ड एज परसीव्ड। घटना जैसे हो रही, फिनोमेना एज इट इज हैपनिंग, दैट्स व्हाट वी लुक एट। वी डोंट गो फॉर एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। एक्सपेरिमेंटल डिजाइन इज टिपिकली वेरी पॉपुलर इन बिहेवियरल साइंस एंड साइकोलॉजी, मनोविज्ञान और ऐसे सब्जेक्ट्स में एक्सपेरिमेंटल डिजाइन बहुत महत्वपूर्ण है। बट बिकॉज एक्सपेरिमेंटल डिजाइन इज टिपिकली क्वांटिटेटिव एंड पुट्स कंडीशनैलिटीज, इट्स नॉट समथिंग विच इज यूज्ड इन क्वालिटेटिव रिसर्च। सो देयर इज अ कंट्रोल ग्रुप, देयर इज एन एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, एंड यू कंपेयर देम, राइट? यू कांट डू इट इन रियल लाइफ। क्वालिटेटिव रिसर्च इज अबाउट रियल लाइफ, एंड दैट्स व्हाई वी डोंट हैव एक्सपेरिमेंटल डिजाइंस। अनदर थिंग, इन क्वांटिटेटिव रिसर्च वी कलेक्ट डेटा, then we put it on SPSS, and based on the tools some interpretation comes. So first of all, we are using a standard survey. When even when the survey results are coming, our only concern is we should get the right number of responses. In qualitative research, the whole data is being created by us. It's not coming from the respondent only, it's being created by us. Who do we talk to? How much do we talk to that person? Do we talk to one person less? Do we talk to one person more? That's what starts happening when it comes to data collection. So to get the depth, I may talk to one person more, and I start realizing, okay, people similar to this individual will give the same answer. So I'll not go to any similar person. I may go to a very different person. So my depth is being created by what I develop as my understanding. We use multiple methods. So people are saying something, we just definitely give a lot of importance to it. जो भी लोग कह रहे हैं उसको हम बहुत महत्व देते हैं, लेकिन साथ में हम क्या करते हैं, दूसरे भी तरीके इस्तेमाल करते हैं। So typical standard things which we use is, we go for at least two methods, minimum two methods. So we will talk to people and we will observe people. हम परिलोकन परावलोकन करेंगे और साथ में लोगों से बात भी करेंगे। We discuss and we observe. That's the minimum we do. And
as we are discussing and observing, we need to make sure all those points of data are with us. Okay, and that's where it's very important. It's very, very important that we keep a diary or a journal each day that we go on the field. We capture everything which is being discussed or mentioned in the field. Another important thing about correlative research, how do we capture phenomena when we are on the field? Let us look at this example. We talk to somebody and this individual says, Indians have very high regard for women. Now this person may be a foreigner, may not know too much about the Indian society, but as he or she is moving, he may realize that there is another reality. Now, which reality does one capture? The first one or the second one? That's the reason we say have multiple sources of data. Don't be confined to one source of data. So, data coming from the individual who said Indians have very high regard, that's important, definitely important, because that individual may be explaining some aspect of India which we have not touched upon. But as you observe cases like acid attacks, you realize that there is another dimension. I may have to go to newspapers and look at what was happening. Another thing, design is not pre-decided, as we were saying. It just keeps on emerging. Things keep changing and design keeps emerging. So there is no tight initial plan. I'll give an example from the research I was doing about the transmen. So when we were studying transmen, हमारा ये विचार था कि एक कार्यस्थल पे एट अ गिवन वर्कप्लेस सारे जितने कर्मचारी होंगे उस ट्रांसमैन की ओर एक तरह का ही कुछ व्यवहार कर रहे होंगे. देयर मस्ट बी सम यूनिक थिंग्स दैट द वर्कर्स मस्ट बी डूइंग और एम्प्लॉइज मस्ट बी डूइंग टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर ट्रांसमैन. दैट्स व्हाट वी हैड एज व्यूज. बट व्हेन वी स्टार्टेड इंटरैक्टिंग विद द कंसर्न ट्रांसमैन, जब हम उस ट्रांसमैन से बात करने लगे तो हमें समझ में आया कि पुरुष जिस तरह से उसकी ओर विचार रखते हैं, स्त्रियां उस तरह से उसकी ओर विचार नहीं रखती. अब ये बात हमारे लिए काफी नई थी. हमें लगा था कि सब कोलीग हैं, सब कोलीग नहीं है. और इसलिए हमको समझ में आया कि सच एक नहीं है यहां पे. इसलिए हमारा जो डिजाइन था, हमने जो सोचा था, उसमें नए प्रश्न जोड़ने लगे. हम नए तरह की बातें उसमें करने लगे और इस तरह से हमारा डिजाइन इवॉल्व होता गया. बाय द टाइम द स्टडी वाज कंप्लीटेड, वी हैड अ टोटली न्यू सेट ऑफ डिस्कशंस. वो नैरेटिव एनालिसिस बन गई. हमने सोचा था एक केस होगा और यही सच है कि हम एक बार जब फील्ड में जाते हैं तो सच नए तरह के आने लगते हैं और फिर हम बदलने लगते हैं. हम जैसे जैसे लोगों की समस्याएं समझते हैं, जैसे जैसे सहभागियों के विचार समझते हैं, हमें समझ में आता है अच्छा ये भी देखना जरूरी है, ये भी समझना जरूरी है. और इसी तरह हमारे रिसर्च बढ़ती जाती है. अब इसी को देखिए आप, दो तरह के विचार हैं. ये विषय जो आजकल बहुत ज्यादा अध्ययन जिसपे हो रहा है, द कंडीशन ऑफ LGBTQ, द क्वियर कम्युनिटी, द कंडीशन ऑफ सेक्सुअल माइनॉरिटीज एंड जेंडर माइनॉरिटीज. Both truths exist in the society. One which says that this is some kind of abomination, there is something wrong about it. The other says that we should actually encourage such people, they are just different, not abnormal. Both truths matter for the researcher. We may feel one is more right or one is more wrong or something like that, but both the truths matter to us as researchers. And that's where, when we are preparing the theory, we have to look at all the interpretations. Now, certain important things when it comes to research. अब मैं आपको एक फील्ड ये दिखा रहा हूँ, पिक्चर दिखा रहा हूँ, इसके बारे में आप कुछ लिखिए. अभी एक मिनट में आपको जो विचार है आप कुछ लिख दीजिए. अच्छा, मेरा ये प्रश्न है कि आपने क्या लिखा है.
मेरा ख्याल है कुछ लोगों ने लिखा होगा कि कोई तस्वीर है ही नहीं, कुछ लोगों ने लिखा होगा शायद तस्वीर दिखाना भूल गए हैं ये, कुछ लोगों ने लिखा होगा तस्वीर शायद दिख नहीं रही है, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, कुछ ने कहा होगा ये क्या टाइम वेस्ट हो रहा है। अब एक शोधकर्ता के तौर पे कौन सी बात महत्वपूर्ण है? As I said, people would have thought of it differently. Some people must have thought, where is the picture? Some people must have thought the picture is, perhaps he has forgotten the picture. Which is more important? There is no picture or he has forgotten the picture? I think both are important. It shows what your mindset was when you saw this particular slide. And that's why, when we are looking at this, we have to look at the fact that you were thinking something and I also think of your mindset at particular point of time, both are combining. So your view, that picture is not there, and my saying, your mindset is that when the thing does not exist, it's not there. Okay, both the things are combining when I'm writing. So I will write, one of the respondents felt that there is no picture, which showed that he is very focused on seeing visuals. As an interpretation, I have written this. I have given my view as well as your view. So finally, what do we have? We have reflections. We think because we get different views from different people. People say different things to us. Somebody says gays are bad. Somebody says gays are good. Somebody says gays are effeminate. Somebody says gays actually can spoil my child. All those things are coming to us. We start reflecting on it. Okay, which are the kind of people who are very positive towards LGBTQ? Some people start thinking, okay, who are the people and what is their social background when they are negative towards such people? All those reflections start happening. Okay, this person said this. Did it relate to his life? Did it relate to something that the person must have encountered? Through those reflections, through that reflexivity, I'm getting a very rich data about what should be the truth. There is a story that we weave. There is a narrative, a story that we weave. It's not simply a simple design. It's not simply a template that there is a research question, there is an objective, then there is some kind of a hypothesis formation, and then there is some statistical tool. It's not like that. We can have our narrative in our own ways. As the research progresses, the interpreter in us grows. So what you start as an individual, by the time the research ends in qualitative research, you are a more evolved individual. It happens in quantitative research also, no denial about it. But in quantitative research, what happens is we have this deductive view. Okay. Statistics support this, so this is right. But here what happens is, because you're interpreting so many times, aap field pe gaye, kuch logon ne kaha, aapka interpretation shuru hua. Aapne diary likhi, dusri tarah ka interpretation hua. Aap diary ke paas wapas gaye ek mahine baad, teesri tarah ka interpretation hua. Baar baar aapne itni vyakhyaen ki, ki aap evolve hote gaye. Ye cheez quantitative research mein nahi hoti hai. Aur sabse khaas baat, hamara jo ye so-called scientific method hai, correlational method है, causality method है, जिसपे हमारा पूरा quantitative research का दारोमदार है, उससे हमें मुक्ति मिल जाती है। That so much should be the Cronbach's alpha, so much should be the value of hypothesis. All those things are very limiting things. Certain times what one person says may be very important because that one individual may be a leader, rest of the people may just be followers. And that's why such things where we can give interpretation and get very multiple views can be very helpful. Now, the question is, many people ask, if this is the reality that we will have views of different people and we will give our own interpretation, there is no standard here, right? That means it's like journalism. It's like writing an article, shouting like, some of the anchors that this is the truth, nation wants to know, something like that, right? But if you look at it deeply, it's not like that. There is something scientific here. We use a systematic method. How is the system coming? We get data from multiple sources. This is typically called triangulation. Have source data from multiple sources and compare what you are finding from one source with the finding in another source, so that you are very sure this is what's happening.
So there is a systematic way that we have gathered data through triangulation, multiple sources, triangulation. We have something called the interpreter bias, right? So typically when we get data in qualitative research, we start the coding. We put the statements into certain categories and then we give them some kind of a title. Those are the quotes. When the quotes are being given, I am interpreting one way. Typically what's encouraged is you ask us another person who's not related to that research to code it. Intercoder reliability is something we look at. Do coder, agar ek si baat keh rahe hain, toh matlab ye study reliable hai. It is based on data. We go in the field, collect data and only then we comment. It's not as if we are sitting at home and creating a story. So it's not typically the way we do analysis in the case of news. It's based on realities, observed realities, talked realities. Hamari reasoning kaha hai? Interpretation mein. Where do we find the reasoning in such studies? In interpretation. The way we connect one and one, two quotes are connected and then we find something coming common between them. We are finding our own ways of correlations, linkages, right? But they are richer. They are in words, not simply in numbers, right? And as we are evolving, because we are finding so many streams, we will find a lot of theories emerging, certain views emerging, and we will then come to our own theories. And that's why, if you look at it, as a scientific research, it's based on field, it's based on data, it's a systematic way of collecting data, and there is some theory which emerges. And that's why it is definitely a science. Why is it important today? Most experts are accepting it. Most people want multiple truths. And as I said, mixed method is being demanded by top researchers. The journals which we call the FT50 journals or Dallas 20 journals. I mean, hamara jo kshetra hai na management. Management mein sabse upar ye mane jaate hain. Financial Times 50 aur University of Dallas, UT Dallas ke 20 journal jo hain, sab mein mixed method manga ja raha hai. Isliye ye mahatvapurn ho gaya hai. Aaj हम अगर एक सांख्यिकी का अध्ययन भी करते हैं, we do a qualitative quantitative research also, we have to embellish it, we have to enrich it with certain qualitative things also. Typically, how does the design go? In quantitative research, we will have a question, we will have some kind of chronological literature review, we will define variables based on that, formulate hypothesis, create some kind of tools, interview or something like that, and based on that we'll do the statistic analysis, based on which we reject hypothesis or something. Does it work the same way in case of qualitative research? Perhaps no. We don't even need a question. There is one research we have actually started working on right now. It's about emergence of institutional framework. Kaise हमारी जो LGBT के साथ सेक्सुअल माइनॉरिटीज के साथ काम करने वाली एनजीओ जो थी वो संस्था कैसे बनी, क्योंकि ये प्रश्न बड़ा अजीब है. एक बड़े समय तक भारत में इन समुदायों को उनकी व्यवहार की वजह से क्रिमिनल माना जाता था. दे वर क्रिमिनल्स इन द व्यू ऑफ कोर्ट, बट दीज एनजीओ एग्जिस्टेड. द फर्स्ट एनजीओ, I mean the one we are studying, emerged in 1990s. अब इस चीज को समझने के लिए हम पहले से कोई प्रश्न बना के जाएंगे. How did the institutional framework emerge, for example? ये कुछ फायदा नहीं होने वाला है. हमको बस लोगों की बात सुननी है, फिर हमारे प्रश्न कहीं से निकलेंगे. तो इसलिए पहले से सवाल होना जरूरी नहीं है. दूसरी बात, लिटरेचर होता है, वो हेल्प भी कर सकता है, लेकिन अगर लिटरेचर नहीं है, परेशान ना होइए. आप जाके फील्ड से कुछ ला रहे हैं और आपका डेटा अगर रिच है, इफ यू आर गोइंग टू द फील्ड एंड योर डेटा इज रिच, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एब्सेंस ऑफ प्री एग्जिस्टिंग लिटरेचर. देर आर इनफ जर्नल्स विच विल बी रेडी टू पब्लिश योर स्टडी फॉर इट्स ओरिजिनलिटी एंड एक्सप्लोरेशन. आइटरेशन मेक्स इट वेरी रिलायबल. यू आर नॉट यूजिंग वन सोर्स. जस्ट रिमेंबर, क्वांटिटेटिव रिसर्च मीन्स जनरली वन सोर्स, टिपिकली लाइक अ सर्वे. Here we are using multiple sources, so
through triangulation, using data from different methods and comparing it, we definitely give a lot of credence to whatever we are doing. हमारी बातों में तथ्य है, हमारे बातों में विश्वसनीयता है. हमारा इंटरप्रिटेशन नेचर ऑफ डेटा पे निर्भर करता है. ऐसा नहीं है कि डेटा आया और कुछ मिसिंग लग रहा है तो हम उसको हटाना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल, एज आई सेड, वी वर वर्किंग ऑन द प्रिमाइस ऑफ डिस्कसिंग ओनली विद द ट्रांसमैन, बट वी रियलाइज नाउ दैट वी फाइंड दैट मेन एंड वुमेन बिहेव डिफरेंटली. नाउ वी हैव टू गो टू मेल एज वेल एज फीमेल एम्प्लॉइज एंड गेट देयर इंटरव्यूज ऑल्सो. Now, because the data is multifarious, it's not very good to keep it a narrative. एक केवल वृत्तांत नहीं हो सकता, अब इसको केस बनाना जरूरी है. We have to convert it into a case. So, narrative study is done. Now, the next study we are doing, now it's converted into a case. क्योंकि multiple sources आ रहे हैं, it's better to do a case. And that's where, you know, it's very helpful because we did not have an existing design before. We were not confined by it that we will only do a narrative analysis. We are doing a case now. And it's actually coming out very well because we were on qualitative side. Reports are exhausted. Why? There are two reasons. First of all, we get a lot of data. We get a lot of quotes. We have to compare. Second thing is we have to prove to the world that we are as good as quantitative researchers. हर आदमी उनकी बात सुनने को राजी है. नंबर है भाई, एवरीबॉडी बिलीव्स इन नंबर्स. यू शो नंबर्स एंड पीपल बिलीव इट. इन फैक्ट समटाइम्स द नंबर्स कैन बी वेरी स्टूपिड. वन पर्सन कैन प्रूव दैट एम्प्लॉयमेंट हैज इंक्रीज्ड इन द यूएस, अनदर पर्सन कैन प्रूव दैट एम्प्लॉयमेंट हैज गॉन डाउन इन द यूएस, एंड बोथ आर न्यूमेरिकल, बट दे विल बी बिलीव्ड बिकॉज दोज आर नंबर्स. नंबर्स आर समथिंग वी इनहेरेंटली बिलीव इन. हियर इज अ केस वेयर नंबर्स हार्डली मैटर. I would not say not matter, but they hardly matter. Now, in such a situation, we need to have a very exhaustive report, a detailed report about what we are going to do, how did we approach the data, and in the data, what are our findings? And that leads to one important question about qualitative research. How do we do the sampling? We never go for random sampling in qualitative research. Actually, it's sometimes used. Random sampling is sometimes used, but it's rare. For example, there are some household surveys sometimes which are done through random sampling. Similarly, there are certain surveys about health. They can be typically through random sampling, but generally, sampling is always purposive. हमें मालूम है हम क्या करने वाले हैं. हमें मालूम है हमें किस तरह का डेटा चाहिए. इसलिए हम वैसा ही इंसान ढूंढेंगे. Randomize नहीं करेंगे उसको. We know who we want to talk to, what kind of person we want to talk to. So with that purpose in mind, we will identify who's going to be our respondent. Nothing random here. We will definitely look at very critical cases, important cases which can enrich our study. Something important event that can be explained by somebody. Somebody who's very important in a position. In, let us say, if it's a village study, the Gram Pradhan or a Sarpanch, their views. We will definitely look at the outliers. Outliers which are rejected in quantitative research are very important in qualitative research. कौन लोग हैं जो इस पूरी चीज से बाहर हैं? अब कई लोगों को जो आपके समाजशास्त्र या नृतत्व शास्त्र से होंगे, many of you from anthropology and sociology would be knowing this. What we say, society does not have a basic structure. It has a modal personality. Some people follow it, a lot of people may follow it, and a lot of people constitute the mode. The statistical mode. The some people who don't follow it are also a reality, or who are following something different are also a reality. And that's why people who are deviant, who are different, are also important from us. Deviant in the sense who are not matching the things being said by the majority of the people. They become very important for us. We are not dismissing them as outliers. We look at variations. So if we are looking at some interpretation from men, we will definitely go to women. Something we often use in applied research, participatory mapping, for example. When we are preparing a map of an area, we will not just prepare, go to the map given by the panchayat or given by the zila parishad. What we do is we ask the men to prepare, the local men to prepare a map. They prepare the map very different from the standard map given to us, which shows what is significant for those individuals. Then we go to women and ask women to prepare the map, and we would get two or three varied maps. When we compare the maps, we tend to realize, okay, this is what the government thinks,
this is what the men think, this is what the women think. So when the policy is to be framed, all the three have to go together. We also look at typical cases. For example, many studies, phenomenology, or studies related to case, there you have to have a typical case. For example, in the case right now, which I'm doing, there is an organization called Humsafar Trust. And there are many more organizations working in this particular field. Okay, so we chose NGOs which had a particular history and had worked on the queer community for very long. Those were our typical cases. New organizations did not fit the bill because we are looking at how did they justify themselves. So we have to take the typical cases. Again, it goes against the idea of random sampling. We know who to go to. Because we are looking at variation, we will look at cases which confirm the issue, and we also look at cases which don't confirm the issue. Dono tarah ki baatein aana zaruri hain, jo hamari baat ko purit kar rahi hain aur jo hamari baat ko nahi purit kar rahi hain, dono tarah ki baatein aana zaruri hai. And typically the sampling is theoretical. What does theoretical here mean? Theoretical sampling basically refers to the fact that we are evolving at certain concept, we are trying to evolve certain concept. Hum kuch सिद्धांत बनाना चाह रहे हैं. इसके लिए जब हम बात करना शुरू करते हैं तो हमें मालूम चलता है एक तरह की बात अब रिपीट होने लगी है. इसको हम कहते हैं सैचुरेशन. जब हमको सैचुरेशन फील होने लगता है तो हम वैसी बात दोबारा नहीं करते दूसरे लोगों से. क्वांटिटेटिव रिसर्च में हम सबको भेजते जाएंगे, हमको ये नहीं फिक्र होगी कि अगर लोग एक से जवाब दे रहे हैं. हम यहाँ पे अगर एक से जवाब आने लग जाएंगे तो रुक जाते हैं कि हमारी जितना इस थ्योरी के लिए जितना हमको चाहिए था वो अब आ चुका, अब बाकी प्रश्न दूसरों से पूछे जाएंगे. सो थ्योरेटिकल सैम्पलिंग बेसिकली मींस वी डोंट आस्क द सेम थिंग्स और कंसल्ट पीपल रिस्पोंडेंट फॉर द सेम थिंग्स एवरी टाइम. बेस्ड ऑन व्हाट वी नीड फॉर द थ्योरी, इफ ऑल दोज इंफॉर्मेशन आर देयर, वी विल गो टू द अदर इंफॉर्मेशन विद द रेस्ट ऑफ द रिस्पोंडेंट्स. सो दिस इज द सैम्पलिंग साइड ऑफ इट. आई हैव रफली कवर्ड वट एवर आई वॉन्टेड टू कवर इन दिस. इफ देर आर एनी क्वेश्चन आई वुड लव टू टेक दम. Thank you, sir. Very informative session, sir. Thank you. Yes, it was really very informative, sir, and we learned a lot of new things also. Questions are there. The first question that I would like to put up here is that you mentioned in your presentation that nowadays we are using both qualitative and quantitative things in the thesis. So in how do we do that, and in which particular area are we doing that? Yes. Okay. I'll give certain examples to start with. I'll first clarify the top journals. As I said, FT50, for example, in the field of management, we have something called FT50, Financial Times 50, top journals, or UT Dallas, University of Texas Dallas, 20 journals. Those journals are the top journals where the rejection rates are very high. Okay, 95% rejection rates and those kinds of journals are insisting on mixed methods. There is a reason why. Quantitative research by its own nature has some limitations. It will look at truth only from one angle, and the survey may not be able to explain. The study may not be able to explain why this happened. And that's where embellishing it or enriching it with data from other sources becomes important. I'll give you one example. My own director, Professor Madhu V. Raghavan, has done certain studies on how weather makes a difference on share market and investments. And many people are doing such researches. So what he does is he looks at what was the situation of the moon, how was the weather, and how people responded on the shareholder. It's a typical quantitative research. Two things are being compared. But he needs to prove it that the people who were there, who were actually investing at that particular point of time, what did they feel? What did they think? Only then the journal will be ready to accept it. You are finding some very good linkages, correlations, but it's very important to prove that, okay, people also feel that. So that's there. Now, what are the problems? Yes, there are a hell lot of problems when it comes to mixed method research. Mixed method research, the biggest problem is, traditionally, journals have not been very, very conducive to it. Journals have been very dismissive towards it. And that's why when you're using mixed method research, remember two things. First of all, your quantitative research should have very clear results out of hypothesis. Even if it is rejected, you should be able to show it that your design was so robust.
it's proved. Then you go to accepted or rejected hypothesis and perhaps the qualitative findings about it. What do people say in interviews? What do you observe in the share markets, for example, right? Those are the things you have to do. Similarly, in our field, there is something called competency. Aap kabil kitne hain? Most organizations have their own competency framework. कुछ वो खाका बना देते हैं कि इसको ये आदमी काबिल है ये आदमी नहीं काबिल है तो हर एक को एक बेंचमार्क क्रॉस करना होगा काबिलियत का. दिस इज स्टैंडर्ड प्रैक्टिस इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट नाउडेज. नाउ व्हाट हैपेंस इन दैट इज हाउ वाज द कॉम्पिटेंसी डिफाइंड. देयर मे बी सम स्टैंडर्ड मेथड्स एंड यू आर लुकिंग एट हु इज कॉम्पिटेंट एंड हु इज नॉट कॉम्पिटेंट बेस्ड ऑन सर्टेन स्केल्स. नाउ द पॉइंट इज द पीपल व्हेन दे वर आंसरिंग दीज क्वेश्चंस डिड दे अंडरस्टैंड that competency means this. Did they understand that the society, the organization's perspective about competency is this? Kyunki agar do sanghathanon mein jayenge, if you go to two different organizations, they will define competency differently. This is a cause of reflection. Now, what you need to do is, your competency mapping data should be very good. It should be very robust. It should come out of scales. But you should also have some discussion with the people in the organization, maybe the CEO or some people senior, who can tell you, okay, this is the meaning of competency for us. This is the way we look at competency. So once you do the quantitative research, you actually enrich it with the qualitative findings. That's what is typically encouraged. Okay, this is what we say as far as quantitative and qualitative going together are there. Have a very robust quantitative research and enrich it through data from the qualitative sources. Have I answered the question? Yeah, of course. Thank you, sir. Sir, one more question has come up from the participants. And he says that I would like to know about how to go about research in the field of advertising. Okay. Advertising, as far as advertising is concerned, first of all, a lot of experimental research happens in advertising. ओके सो ये जो होती है ना प्रयोगात्मक रिसर्च जो होती है ना मनोविज्ञान में वो बहुत कॉमन है एडवर्टाइजिंग में विच इज टिपिकली क्वांटिटेटिव. बट इट कम्स टू क्वालिटेटिव रिसर्च एडवर्टाइजिंग एक्चुअली हैज अ लॉट ऑफ एनरिचिंग एलिमेंट्स. यू नो एथनोग्राफी इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स टू अंडरस्टैंड एडवर्टाइजिंग. आप किसी समाज को कैसे समझ रहे हैं ये एडवर्टाइजिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. फॉर एग्जाम्पल आप कुछ एडवर्टाइजमेंट देखेंगे जो दिल को छू जाते हैं. अब वो दिल को इसलिए नहीं छू जाते कि उनमें कुछ बड़ी मार्मिक बात कही गई है. वो मार्मिक बात जो कही गई है वो समाज से जुड़ी हुई है. That's why a lot of ethnographic studies are done as far as advertising is concerned. How society and the advertising get linked. I'll give you examples of some of the advertisements. There was this advertisement of Naukri.com or Monster, I don't remember, one of the job portals, where there is one individual, a girl, who's dressed in attire of Bharatnatyam. And she's actually doing the work of air traffic controller, ATC. So in the actually postures of Adavus, as we call it in Bharatnatyam, in the Adavus, she is actually giving the signal whether you should go or not. Now, if you show this advertisement, perhaps in Germany, people will not be able to follow. This was very specific to India, the ethnographic context of India, where we know what Bharatnatyam attire is and how it should be worn. Okay, so ethnography is definitely one very important field in which advertising related researches are done. Another thing which is common in advertising as far as research practice is concerned is cases. Building a case of what works and what does not work. So we take examples from different advertising agencies on the same product or something, and we try to collate information through different sources. The account holder, then the people who are on the creative side, and the company. We get all the views and we try to compare what worked and what did not work through a case study. Okay, so both are common. Thank you. The questions are there, but we have time constraints, so we have to move ahead. So I hope you will stay for the next session as well. Please stay if possible. Sure. Yeah. Thank you so much, sir. It was a pleasure and honor for us that you gave such a wonderful informative session, and we look forward to more such sessions from you. Thank you. Thanks for inviting me. Yes, sir. Thank you. Thank you, sir.
We will move forward to our next speaker and the next session. Our next speaker is Dr. P.M. Gupta. He is from Indian Institute of Management, Bodh Gaya, Bihar. And he has been very active in his research field, and he is mainly focusing on softwares. It's really an honor and pleasure, Gupta sir, to have you in our midst. We welcome you with open hearts. And the topic that he is going to present today, Gupta sir, is Menlay, a complete reference management software to organize research. I will repeat the topic. Menlay, a complete reference management software to organize research. So over to you, Gupta sir. You may start your presentation. Thank you, Dr. Ruchi ma'am, for it. Nice introduction, and I extend my warm thanks to Dr. Usha ma'am for inviting me to this session. Am I audible? Yes, sir. You're audible, and sir, you can use both English and Hindi mixed language, bilingual. Okay, I will. So before we start my sessions, my sincere thanks to Rakesh Khare sir to introduce me and giving this opportunity to present my sessions and to interact with all the research scholars what you have. And I hope this sessions would be very useful. So now, can I start my session, presentation? Can you see my PPT? Yes, sir. We can. Yes. Okay. So, good afternoon. You are connected virtually to my sessions. Menlay, a complete reference management software to organize research. So, during this session, I am going to let you know what is the Menlay, how to use it, how to install it, how to cite your reference, how to highlight, or how to manage your documents. Actually, what is the Menlay? Menlay is a free referencing and academic social network software. It allows you to collect, manage, store, share and use research papers and articles. As all of us, we are living during the difficult times. So I think all of you are using the online resources. They may be PDF, research papers, and articles. So how can you organize them? So Menlay is one of the best tools through which you can manage your soft copies, your research papers, your documents. So what is the Menlay? Menlay is an academic software. As I told you, it is a completely free, and you can use or you can download on your personal laptop, your desktop, or web. Even app is also available. So now I am going to tell you how can you use or manage your library. So here, step by step, I will try to show you how you can download, how you can install it. So here, just simply, you have to open Google and type Menlay. So just simply Menlay, you will see there a hyperlink. So just you have to click this hyperlink here, download. Thereafter, you will see a next screen where you have to click.
download Mendeley desktop for Windows. Once you do this, automatically a file will be saved on your desktop. Thereafter, you have to follow the instructions as you can see on the screen. Once you complete these the instructions, it will ask to your email and password. So once you enter your email and password, you will have this look of the Mendeley. So here you can see, this is the application window. Here you can see, this is a three window. First, center, and left and right. So now I will show you these the capabilities and its functionalities. So next steps would be how to organize. So step by step, I will show you. So during this presentation, this is just my overview about the Mendeley. Thereafter, I will show you, or I will give you a live demo so that you can understand in a better way how can install it. So here you can see, add files, select a file, and whatever you have documents, they may be articles, they may be research papers, or they may be project reports, so you can download by adding the files. Thereafter, watch folder. This is the another feature of this Mendeley. So I will discuss and tell you how can you use this one. Even you can add reference by manually. So once you upload your documents into Mendeley, you look like this. Yeah, so these are the function. Add documents, all items in your personal library, you can add. Item added in the last 2 weeks, when you upload your documents in the last 2 weeks, you can retrieve them, access your recently reviews, all items you have stored in your library, items in need of review. Even you can am I audible? Yes, sir. Yes, okay, fine. Here you can manage your documents, what you have uploaded, author wise, publisher wise, date of uploading, and you can mark as a favorite. You need to create the another folders, you can do that. Suppose you want to create the folders for one introductions, you want to create another folder for the research methodology, and if you want to create the another folder for the data analysis, so you can create your folders as per your choice. This is the search window, so you can retrieve your documents whenever you need at a single click. So one by one I will show you. Enter the search items. You can see the main view will be filtered by accordingly. Click on the specific folder to search within the documents. Even this is a very powerful tool. If you want to search the documents within the documents, you can do that. When you have a number of papers, it would be very easy to retrieve. Whenever you need the documents, it will reflect you. So this is a search window, another window. So you can make your tag in your papers. When you have a number of papers,
So it would be very difficult to find out the duplicate papers. So in that case, Mendeley provided the check for duplicates. So when you click on that link, so all the duplicate papers will come over the screen, so you can delete them. This is the PDF viewer. How can you highlight or how you can give the annotations for your documents? This is the PDF viewer. Once you click on that link, the PDF file will be opened. So you can highlight, you can, here you can see the number of functions: highlight, notes, select, copy, paste, and rotate, zoom. So these are the functions of this PDF. Here you can see highlight, you can highlight what you need to documents, highlight, you can highlight, you can give your annotations. So now one more important thing for which, how to cite your reference, how to cite the documents while you write your research paper. So this is a very powerful function of this Mendeley. When you write the research papers, you know how it is very difficult to cite the references. So in that case, Mendeley gives very easy way through which you can cite and you can insert the bibliography just single click. So for which just you have to install web importer. Once you upload this software, automatically it will reflect on your MS Word file. Here you can see insert citations, insert bibliography. So whenever you need the document to cite, just click the insert citations. Our next screen you can see here. Once you click OK, then you can select the your papers to which you want to cite. So it will look like this one. Or at the end of the paper, you need to insert the bibliography. So you have to click on the insert bibliography. Automatically, all the reference will be created. If you want to change the style of your reference, so Mendeley provide this facility also. So you can select the reference style as per your choice. Sometimes you know different publishers needs a different style, so you can change. From where you can change. If your style is not available in the Mendeley, in that case you can install the another style from here, mode style. Thank you. Now I will show you how to download Mendeley step by step. Ab main aapko bataunga कि कैसे इस Mendeley को आप अपने रिसर्च के लिए यूज कर सकते हैं. दिस इज अ वेरी पावरफुल टूल. इट्स अ वेरी इजी टू इंस्टॉल इट. जस्ट यू हैव टू ओपन गूगल. सिंपली गूगल and now you have to type Mendeley. Mendeley type कीजिए. You can see my screen? Yes sir. Okay. आपको Mendeley Google पर सर्च करना है और उसके बाद आप देख सकते हैं, you can easily see here, download link.
here download link is given. So simply you have to click on that link. Once you click that link, a EST file will be downloaded. Once you click on that link, यहां आप देख सकते हैं कि आपने जब डाउनलोड पे क्लिक किया तो एक नेक्स्ट विंडो अपीयर हुई और उस पे आप देख सकते हैं कि डाउनलोड मेंडले डेस्कटॉप फॉर विंडोज. एज आई टोल्ड यू, यू कैन डाउनलोड द मेंडले ऑन योर डेस्कटॉप, ऑन योर लैपटॉप, इवन यू कैन डाउनलोड द ऐप. सो वन बाय वन आई विल शो यू. सो राइट नाउ आई एम गोइंग टू लेट यू नो हाउ कैन यूज or how can download the Mendeley on your desktop, on your personal PC. So once you click on that link, jab aap is link par click karenge, to you will find .exe file. So it is taking some time. I will show you. Just wait, depending upon the speed of the internet. Yes, sir. Speed. During this COVID-19, हम सभी जानते हैं कि सारे बच्चे now they are away from the university campus or the college or we all are working from the home. So during this period, most of research scholars generally they use or they doing they are doing their research work from their home. So in that case में वो क्या करते हैं, सारे documents को electronic items में जो available है यानी PDF form में, वो क्या करते हैं, उनको folder में upload करते हैं. Because when they upload their research documents in the folder, it would be very difficult to retrieve them. In that case, Mendeley is a very useful tool for them. They can retrieve their papers just within a second. So, वो ही मेरा purpose है कि आपके जो research scholars हैं और even not only we can upload the research papers, even we can upload the our office documents also. Okay, download is complete. अभी आप देख सकते हैं download complete हो गया. Now only you have to show in the folder and run this file. अब आप इस file को only run करना है. Yeah. Once you click on that file and नेक्स्ट, मतलब यू हैव टू फॉलो द इंस्ट्रक्शन. फाइल एक बार अपलोड हो गई है, उस फाइल पे आपको डबल क्लिक, यू हैव टू डबल क्लिक एंड फिर फॉलो द इंस्ट्रक्शन. नेक्स्ट, अगेन एग्री, फिर नेक्स्ट. वेरी सिंपल, इट्स वेरी सिंपल टू इंस्टॉल द Mendeley. आई एम टेलिंग स्टेप बाय स्टेप सो यू कैन अंडरस्टैंड. उसके बाद फिर नेक्स्ट, अगेन इंस्टॉल. Okay, then finish.
इंस्टॉलेशन प्रोसेस कंप्लीट हो गई है. जब इंस्टॉलेशन प्रोसेस कंप्लीट होती है, इट इज आस्किंग योर ईमेल आईडी एंड पासवर्ड. सिंपल. एनी डाउट? जस्ट नाउ यू हैव टू गिव योर user ID and password, for which just you have to register here. Okay, I am already. Yeah, from here you can see create account. So just create your account. यहाँ पर simply आपको ईमेल आईडी एंड पासवर्ड यू हैव टू पुट अप. सो आई एम गिविंग यूजर पासवर्ड. Okay, fine. Same password I am giving here. Just I am giving my email ID. And password. And now you have to sign in. अब आपको यहां पर sign in करना है. Okay, just. Okay. Now you can see window applications. Usha madam, आपको ये application दिख रहा है? Yes sir, दिख रहा है. अच्छा, तो ये आपका installation process complete हो गया है. यहाँ पर तीन window हैं. अब आप देखिए यहाँ पर, अब जो file आपके पास upload है PDF file में, simply आपको यहाँ एड फाइल्स, यहां से आप उसको, इफ यू वांट टू अपलोड द सिंगल फाइल यू कैन डू दैट, इफ यू वांट टू अपलोड द एंटायर फोल्डर यू कैन डू दैट. सो वन बाय वन आई विल शो यू. सपोज यू वांट टू एड फाइल्स, सो सिंपली क्लिक एड फाइल्स. हियर आई रिसर्च पेपर. Okay, so here I upload these documents. Yeah, you can see आपने upload किया, यहां पर एक file upload हो गई है. अब देखिए the natural person, और जब आपने इसको upload किया automatically इसकी detail left side में आप देख सकते हैं automatically आ गई है. Titles, authors, volumes, year of publications, pages, automatically ये detail यहां पर आ गई है. और अगर आप फोल्डर अपलोड करना चाहते हैं, इफ यू वांट टू अपलोड द फोल्डर, जस्ट क्लिक ऐड फोल्डर एंड सेलेक्ट योर फोल्डर वेयर यू हैव. जस्ट आई शो यू डेस्कटॉप.
Mendeley research papers. Now you have seen number of papers बढ़ गए हैं उसके पूरा entire folder में जितने भी papers थे आपके soft copy PDF file automatically upload हो गई है. अब आप देखिए यहाँ ये सर्च ऑप्शन है, यहाँ सर्च ऑप्शन से आप कोई भी टाइटल सर्च कर सकते हैं. यानी आप व्हेन यू हैव अ नंबर ऑफ पेपर्स तो आप जानते हैं बहुत डिफिकल्ट हो जाता है पेपर को सर्च करना, और जब आप बहुत सारे फोल्डर बनाते हैं तो और इट बिकम्स मोर डिफिकल्ट कि आपका डॉक्यूमेंट्स किस फोल्डर में है. सपोज आपके पास आप सपोज यू आर डूइंग द PhD और यू हैव अ नंबर ऑफ पेपर्स रिलेटेड टू रिसर्च मेथोलॉजी related to introductions, related to the data analysis, तो बहुत difficult हो जाता है. In that case में you have to upload the entire documents in Mendeley. However, if you need the create the folder, you can create from here. Suppose you want to create your folder introduction, so here you can do introduction. Your folder is ready, introduction. Where you can upload the documents related to the introduction. Otherwise, here all documents, you can see all the documents from here. So once you click on that link or that paper, it will show the full text of the paper. Here you can see. You can open the another paper, this paper, another paper. So now, if you want to highlight, simply you can highlight this paper, select text or rectangle. So just you select this one and highlight. Highlight. Here you can highlight. If you find this paper, you can add the note. This is a useful. This is useful for introduction. You can save it. अब आप देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं डिटेल दिया हुआ है, यहाँ पर डिटेल्स, यहाँ पर नोट्स, आपने नोट लिख दिया यहाँ पर इंट्रोडक्शन. एंड क्लियर ऑल द पेपर्स. व्हेन यू सर्च योर पेपर सिंपल बाय नोट्स, जब आपके पास बहुत सारे पेपर हैं, मोर देन 100 पेपर्स हैं, अब आपको देखना है इंट्रोडक्शन से रिलेटेड वो पेपर कहां पर है, तो जस्ट यू हैव टू राइट इंट्रो. वंस यू क्लिक इंट्रो, ऑटोमेटिकली पेपर विल कम. ओपन दिस, हियर यू कैन सी द हाईलाइट, यू कैन सी दिस इज द यूजफुल फॉर इंट्रोडक्शन. तो यहां पर जितने पेपर्स आपके अपलोड है उसमें रिट्रीव करना बहुत इजी है, बहुत इजी है. यू कैन क्लियर योर सर्च हियर फ्रॉम हियर क्लियर. अगर आप टाइटल वाइज सर्च, ऑथर वाइज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं और फ्री हैंड सर्च भी कर सकते हैं. सपोज क्रिएटिंग all the papers related to creating
will appear here. Creating. So this is the way to download the or upload the papers. कोई doubt है इसमें? Sir, one of the participant is asking that after we have downloaded this software, do we still need the internet connection to operate on this software? Like after we have no ma'am, madam, इसमें तीन वर्जन है जो मैंने आपको बताया है. इफ यू वांट टू अपलोड योर इंस्टॉल द मैंडले ऑन द डेस्कटॉप, इन दैट केस इंटरनेट इज नॉट रिक्वायर्ड. सपोज आप डेस्कटॉप, मान लो सपोज यू आर सिटिंग इन योर ऑफिस और यू अपलोड द पेपर्स. वंस यू लीव द ऑफिस और यू गो टू एट योर होम और फ्रॉम देयर इफ यू वांट टू एक्सेस, इन दैट केस यू वांट टू यूज द वेब वर्जन. वंस यू गिव द यूजरनेम एंड पासवर्ड, इन दैट केस यू नीड टू इंटरनेट कनेक्शन. Otherwise, internet connection is not required. Okay. Yes. Okay. और ये research scholar के लिए मैम बहुत ज्यादा useful है. अभी हम आपको और next step बताते हैं इसमें क्या क्या और facilities हैं. अब आप देखिए, अब जब कोई आप paper लिख रहे हैं तो आपको बहुत सारे paper के citation आपको लिखने पड़ते हैं और उसके बाद आपको bibliography at the end of the paper you have to insert the bibliography. Once you do this manually it will take more time, everyone know this. Lekin Mendeley mein kya hoga, aapki insert jo bibliography hai wo by click in just within a second you can insert your bibliography. To step by step aapko batate hain. Pehle maine aapko bataya ki jo bhi documents aapke pdf file mein available hain वो आप यहां से अपलोड कर सकते हैं, सिंगल डॉक्यूमेंट्स कर सकते हैं और इंटायर फोल्डर अपलोड कर सकते हैं. इसके बाद अभी मैंने आपको सिर्फ कुछ ही पेपर्स अपलोड किए हैं, इसमें आप जितने चाहते हैं पेपर अपलोड कर सकते हैं. और ये ऑप्शन जो यहाँ पर सर्च फैसिलिटी में, यहाँ से आप ये सर्च विंडो है, यहाँ से सर्च कर सकते हैं. नॉट ओनली यू कैन सर्च बाय टाइटल, इवन यू कैन सर्च इनसाइड द डॉक्यूमेंट्स, इनसाइड द डॉक्यूमेंट्स. आई शो यू अगेन. रिसर्च देखिए, रिसर्च इनसाइड द डॉक्यूमेंट्स यू कैन सी इट गिवन इन द येलो कलर. आप देखिए, आप जहां जहां रिसर्च है वो उसको आपको डॉक्यूमेंट ढूंढ के लाएगा. आपके हजारों पेपर्स उस पेपर से वो डॉक्यूमेंट निकाल के लाएगा जिसमें आपने रिसर्च दिया. इवन आपने जहां पर नोट्स बनाया है, आप देखिए अगेन आई शो यू, जस्ट क्लिक नोट्स एंड इंट्रोडक्शन. की कितनी ऐसे, हाउ मेनी पेपर्स आर रिलेटेड टू इंट्रोडक्शन, जस्ट टाइप हियर इंट्रोडक्शन, हियर यू कैन सी नोट इंट्रोडक्शन. तो वो सारे पेपर आ जाएंगे राइट. आपको सभी प्रेजेंटली वी आर हैविंग इन द सेम पेपर जहां हमने इंट्रोडक्शन दिया है, इंट्रोडक्शन का तो पेपर आ गया कि हियर यू कैन सी दिस द मैटर व्हाट यू हाईलाइटेड इज यूजफुल फॉर योर इंट्रोडक्शन पर्पज. अब मैं आपको बता रहा हूं, नाउ आई एम गोइंग टू हाउ यू कैन साइट द पेपर्स और डॉक्यूमेंट्स वन बाय वन. हियर यू कैन सी फॉर विच, व्हाट यू डू, जस्ट क्लिक ऑन टूल्स. हियर यू कैन सी टूल्स ऑप्शन और यू हैव टू इंस्टॉल. वी हैव ऑलरेडी इंस्टॉल्ड द एमएस वर्ड प्लगइन, सो क्लिक ऑन दैट लिंक. वंस यू डू दिस automatically your reference will come on the MS Word file. अब हम आपको MS Word file खोल के दिखाते हैं. This is a new file. मैंने blank file लिया हुआ है. वन बाई वन करके बताते हैं. सपोज यू आर राइटिंग योर रिसर्च पेपर और यू स्टार्ट द इंट्रोडक्शन. सो आई हियर इंट्रोडक्शन,
Once you plug in, here you can see reference. Just click the reference. आप लोगों को दिख रहा है एरिया insert citation. सभी लोगों को दिख रहा है insert citation. Everyone can see insert citation. Yes sir. और here you can insert bibliography. So one by one I show you. Suppose introduction. So insert citation. So again I go to Mendeley. This is the introduction. So what I do? I copy this one. Just select text and copy this one. Okay. Copy and paste MS Word file. Paste MS Word file. Next, again I go to Mendeley. Another documents I take it profile and copy this one. Again this one. Copy this one and paste again your documents. Now you need to cite this documents. So what will you do? Just go to the insert. Click on insert. Go to Mendeley. Mendeley पे जाइए और जिस पेपर से आपने इसको कॉपी किया है उस पर क्लिक कीजिए एंड साइट हियर. यू कैन सी साइट हियर. साइट आपको दिख रहा है यहां पर साइट. यस सर. तो जस्ट क्लिक द साइट. हियर यू कैन सी साइट Michal 2020. Same thing you have to follow here. Again go to the insert citations. Go to Mendeley and another paper, this one. And again cite. Okay, here you can see cite. Add the documents, references. This is the references. So now you need to insert the bibliography. So in that case mein what will you do? Just simply click insert bibliography. Now you can see insert bibliography. Once you click on that link, automatically your reference will come. Here you can see. Aap sabhi ko dikh rahe hain insert sare references. आपने अभी क्या किया कि अभी आपने सिर्फ दो पेपर के साइटेशन लिए हैं. आपने सिर्फ दो पेपर के साइटेशन लिए. अगर आप 50 पेपर के साइटेशन लेते हैं तो एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट्स ऑटोमेटिकली रेफरेंसेस आ जाएंगे आपके. मतलब इज वेरी इजी. और इफ यू वांट टू चेंज द योर स्टाइल, क्योंकि एज यू नो डिफरेंट पब्लिशर्स रिकॉर्ड्स आर डिफरेंट फॉर्मेट स्टाइल. Suppose you want to publish your paper in the IEEE, so in that case में आपको reference जो accordingly IEEE का जो documents है उसके हिसाब से आपको you have to create. So now you can see one click here style. आपको दिख रहा है style. Generally हम लोग APA use करते हैं. Generally most of common use APA. ML and APA. हाँ, अगर आप IEEE में पेपर पब्लिश करना चाहते हो जस्ट आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ IEEE यहां से क्लिक करना है, ऑटोमेटिकली रेफरेंसेज और साइटेशन चेंज. यू कैन सी इट्स वेरी इजी. आपके रेफरेंस ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगे. और अगर आपको लगता है, इफ यू थिंक कि योर स्टाइल is not available Mendeley,
In that case, however, Mendeley provide the more than 6,000 stacks. So you can select from here, just more style, and you can download whatever you need. This type from here. So this is the way to install the your specific citation style. Suppose you want to another test from here. In that case, what will you do? Simply go open the Mendeley, click another paper, just copy it. Copy this one, copy and paste from here. And now you need to cite. So insert citation, select that paper, this one, this paper, and cite here. From cite here, you can see my cursor, cite, click cite. So here you can see automatically it comes at second number. और आपकी बायोग्राफी ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गई, नंबर आ गया। अगर इफ यू डू दिस मैनुअली इट विल टेक मोर टाइम। यस, कभी कभी क्या होता है, जब आपने पेपर भेजा किसी पब्लिशर को और इट इज टेकिंग द मोर टाइम टू पब्लिश और एक्सेप्ट योर पेपर, इन दैट केस व्हाट यू डू, जनरली यू डू योर पेपर विथड्रॉ फ्रॉम दैट पब्लिशर एंड सेंड द अनदर पब्लिशर। तो फिर आपको पूरा डॉक्यूमेंट्स को एक स्टाइल चेंज करने की जरूरत पड़ जाती है, फिर आपको बहुत मैनुअली में बहुत टाइम लगेगा। लेकिन Mendeley में आपको ये जस्ट बाय क्लिक, जस्ट इट इज अवेलेबल एट अ सिंगल क्लिक टू इंसर्ट द बिबलियोग्राफी और चेंज द साइटेशन। इट्स वेरी इजी। नाउ नेक्स्ट, so this is the process of citation, how can you cite your papers or create your bibliography। aap apna citation paper ko kaise kar sakte hain aur kaise upload kar sakte hain aur kaise paper ko search kar sakte hain, sari cheeze aur how to manage your Mendeley। so this is the single window, in nutshell you can say this is the single window where you can upload your entire documents into Mendeley or you can organize, you can search whenever you need। so retrieving is very easy when you have a thousand of the papers, it becomes very difficult to find out what you need। Mendeley gives you just within a second, or it is very easy to install it। agar kisi ko bhi koi problem installation mein hai, my email id is there, you can write to me, you can ask me, you can call me at any time। Now this is the desktop version। Now I will show you, suppose you are working at your office or you upload these some documents, now you want to use at your home, so in that case what will you do, I will show you। इसको हम लॉग आउट कर रहे हैं, लॉग आउट डेस्कटॉप वर्जन को। नाउ आई एम गोइंग टू लॉग आउट, दिस इज द डेस्कटॉप वर्जन, लॉग आउट। ओके, उषा मैडम अभी जस्ट अगेन यू हैव ओपन द गूगल, गुप्ता सर जी you have 5 to 7 more minutes sir, 5 to 7 more minutes, yes।
ओके सो जस्ट टाइप मेंडले. हाँ आप कंप्लीट कर लें सर. अगर आप इफ यू वांट टू यूज फ्रॉम समवेयर तो यू कैन यूज दिस. जस्ट क्लिक मेंडले एंड साइन इन फ्रॉम हियर. हियर यू हैव टू गिव द सेम यूजर आईडी एंड पासवर्ड. Here you can see library. Just click add library. यहाँ आप देख सकते हैं सारे पेपर जो आपने अपने डेस्कटॉप पर ऑफिस में अपलोड किए वो सारे पेपर्स यहाँ अवेलेबल हो गए. या कोई भी पेपर आप गो थ्रू कर सकते हैं. Here your documents are available in the full text. So this is the way to access from your home or from somewhere where you are. So your library is with always with you. Only I will take only the 5 minutes. Just I want to yes, show sir. The some tools yes. that is very useful for your research scholars or those are available at a free of cost. Digital Common, just Google Digital Common, type Digital Common Network. Click this link. Simply, you have to click this link. Here you can see 496 institutions. They provide their research papers at free of cost. Subject by arts and humanities, explore law, social and behavior sciences, business, explore engineering, physical sciences. Suppose I want to, if you want to upload the or get the papers of arts and humanities, just click here. History, social history, click history. Now these are the papers available free of cost. You can download any paper from here. Any paper you can download. Another tool I want to share with you. EPG Parsala. PG Parsala. Here you can see number of subjects. So I select yes. Human resource management, yeah. Economics. Suppose I select economics. Quantitative methods and select the another module. Here you can see. हाँ मैं एफडीपी में हूँ दरअसल अभी है ना. ठीक ठीक एफडीपी में हूँ अभी. मैं
entire documents are available. This is the PDF form. If you want to watch the video, it is available for you here on this topic. Okay, so this is the way. So now, very quickly, I take. I saw the last one. India Wix. It is a free available. जो बच्चे those who are doing the preparation of UGC NET, उसके लिए काफी useful है. Arithmetic aptitude, current affairs, verbal and reasoning. So here you can see, just click arithmetic aptitude. Problems on terrain, height and distance. So click at any one, at any link. So this is the question. Or once you click view answer, it will show the answer. This is the free available. So you can understand how the answer comes for this question. Now last one. NDL and Sodh Ganga, all of you know? Yes, sir. Sodh Ganga, we know. This is the NDL, Digital National Digital Library. This is also useful for the research scholars. Okay, ma'am. This is from my side. I hope this session would be useful for your students. अगर कोई अगर query उनकी है तो आप बताइए. So one of the participant is asking that if they want to install a new operating system. So the total documents will be lost from the software from Manly. No, never. As I told you, that they can, once they upload the documents on the desktop, automatically it will come on the wave. So once they use their documents from the home or from somewhere, automatically all the documents will be available for you. So there is no chance to lose their documents. Or it is a completely free. I have been using this last 15 years. Any other questions? So for languages also, like for English and Hindi languages, research students, it is a useful tool. This is useful software. For languages, yeah, ma'am. Sure. Specifically, it supports the English languages. Yeah. Those documents are available in the English language. They can retrieve. Fine. I'll just check. There are questions coming up. please, sir. Again, I request you, if any students or any type of the problem they need, please feel free to contact me. You can give my contact number. You can share with them my email ID so that they can feel any difficulty in downloading. So we will always available for them.
हमारे सभी पीएचडी स्कॉलर्स के सर व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, उस पे मैं जरूर सेंड करूंगी। हाँ मैम करिए, क्योंकि अगर उनको किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम है इंस्टॉलेशन से रिलेटेड, लेकिन आई वुड रिक्वेस्ट टू यू प्लीज जस्ट एक्सप्लोर दिस फीचर्स और जस्ट आई वुड से यू नो दिस इज अ वेरी यूजफुल एंड दिस इज अ कंप्लीटली फ्री। So you know, during this COVID-19, all the students are away, are at their home. So if you give them some assignment, them, so they can start by using the Mendeley. It is very easy. Yes. So, sir, we have some time constraints, so we need to finish the session. So now I request the Dean of Humanities and Languages Department, Dr. Usha Vaidya, to give the vote of thanks. Madam, please. Thank you, Ruchi. Online National Faculty Development Program के दूसरे दिन में हमारे बीच जो विषय विशेषज्ञ उपस्थित हुए प्रोफेसर अनिमेश बहादुर जी एवं डॉक्टर पी एम गुप्ता। प्रोफेसर अनिमेश बहादुर जी ने जिस तरह क्वालिटेटिव रिसर्च को लेकर वक्तव्य दिया है और हमारी बहुत सारी क्वेरीज को उन्होंने दूर किया है, क्वालिटेटिव रिसर्च पर बहुत अच्छी जानकारियां उन्होंने शेयर की, जिससे कि कहीं स्टूडेंट को जो पर्पसिव सैंपलिंग मेन स्टेप जो सैंपलिंग में आता है और सैंपलिंग पर आकर स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज होता है, तो उसको लेकर भी सर की जानकारियां बहुत ही यूजफुल थी और बहुत ही इंफॉर्मेटिव सेशन था। मैं सर को हृदय से अपने पूरे विभाग की ओर से, फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड लैंग्वेजेस की ओर से, रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय की ओर से हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ, वेलकम व्यक्त करती हूँ, उनके लिए वेलकम देती हूँ। और निश्चित रूप से हम सर का और सेशन रखेंगे, एक सेशन में शायद बात उतनी पूरी हो नहीं पाई है, और बहुत ही अच्छा सेशन रहा सर का। इसी के साथ ही जो हमारे सेकेंड सेशन में विषय विशेषज्ञ रहे डॉक्टर पीएम गुप्ता सर, जिन्होंने मेंडेले के बारे में जानकारी दी जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। और इसके साथ एक और चीज है कि जो स्टूडेंट हैं जहां रिसर्च पेपर पब्लिश करते हैं या जो थीसिस के लिए जब रेफरेंस या बिब्लियोग्राफी तैयार करते हैं उसमें बहुत मिस्टेक होती है, और सर ने जिस तरह से बताया कि एक छोटे से क्लिक से ही वो अपनी पूरी बिब्लियोग्राफी को, अपने रेफरेंसेस को सिस्टमैटिक कर सकती हैं, और ये बहुत इजीली अवेलेबल है और मैंने खुद देखा है कि बहुत इजीली इसको हम यूज कर सकते हैं। ये हमारे न सिर्फ रिसर्च स्कॉलर के लिए बल्कि हमारे यूनिवर्सिटी के सभी फैकल्टी मेंबर्स के लिए भी बहुत यूजफुल रहेगा। और इसी के साथ मैं डॉक्टर राकेश खरे सर का भी धन्यवाद व्यक्त करूंगी कि उन्होंने सर का नाम सजेस्ट किया था डॉक्टर पी एम गुप्ता सर का। तो आज हमारे इस पूरे सेशन में बहुत ही अच्छी जानकारियां मिली, उसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। वेरी वेरी थैंक्स सर। थैंक यू गुप्ता सर एंड थैंक यू अनिमेश सर। इट वाज रियली वंडरफुल सेशन, वेरी इंफॉर्मेटिव। वी लर्न सो मेनी न्यू थिंग्स एंड फॉर ऑल द स्कॉलर्स आल्सो लर्न लॉट ऑफ थिंग्स। उनकी क्वेरीज हैं सर, आपका मेल हम आईडी फॉरवर्ड कर देंगे, सो दे विल पर्सनली कॉन्टेक्ट यू एज वेल। And Animesh sir, thank you so much. Animesh sir, thank you so much for your session. And I request all the participants to join again tomorrow at 12:30 for the third day. Thank you so much, everyone, for joining today. Thank you so much. Thank you, Ruchi ma'am. Thank you, everyone. Raman sir. Ji ma'am. रमन सर जी मैम, हाँ सेशन ओवर जी।